ग्रेट इंडियन थार डेजर्ट, 2,00,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला रेगिस्तान। यहां दूर दूर तक नहीं मिलता किसी चीज का नामो निशान। ये क्या, डेजर्ट के बीच में स्पेसशिप? नहीं नहीं दादा, ये स्कूल है। स्कूल बेहद यूनिक और एकदम OMG, राजकुमारी रत्नावती स्कूल। दोस्तों, हम आए हैं जैसलमेर, राजस्थान। यहाँ के गांव में रहने वाले कई बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाती, लेकिन ये OMG स्कूल आसपास के 5 गांव की 400 से ज्यादा लड़कियों को पहली बार स्कूल जाने का मौका दे रहा है। मुझे स्कूल में ड्रेस भी पसंद है और मेरे दोस्तों के साथ खेलना पसंद है। यहाँ गर्मी भी नहीं लगती, इस कक्षा में रह के बहुत अच्छा लगता है। जैसलमेर में होकर गर्मी नहीं लगती? जरूर स्कूल में AC लगा होगा, यही सोच रहे हैं ना? दोस्तों, सच तो ये है कि इस OMG स्कूल में AC की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसकी वजह है इसके कमाल का आर्किटेक्चर और डिजाइन, जो इसके क्लासरूम्स को 45 डिग्री टेम्परेचर में भी ठंडा ठंडा कूल कूल रखता है। और इसका क्रेडिट जाता है स्कूल की चीफ आर्किटेक्ट डायना केलॉग जी को। I located the building in a way to capture the prevailing winds. I looked at oval structures really to keep the wind circulating. अपने बेमिसाल डिजाइन और विजन को एग्जीक्यूट करने के लिए डायना जी को मिला लोकल एक्सपर्टीज का साथ। उन्होंने ड्राइंग भेजी थी, वो अंडाकार थी। अंडाकार को लेआउट करने में वहाँ पे तो क्या एस्टिमेट मिल जाते हैं आपको, हमारे पास तो हमारे कारीगर के औजार रहते हैं, जैसे कि गज है, इंची टेप है, फीता है, सूत है, लेवल पाइप है। मॉडर्न टूल्स की कमी को करीम जी के एक्सपीरियंस ने पूरा किया। लोकल मटेरियल और कंटेम्प्रेरी डिजाइन के साथ स्कूल को कंस्ट्रक्ट करने में इस्तेमाल हुए ट्रेडिशनल मेथड्स, इसका सबसे बड़ा सबूत है बिल्डिंग में लगा सैंडस्टोन, जो लोकली सोर्स किया गया है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे इस OMG स्कूल का आर्किटेक्चर इसे राजस्थान की खतरनाक गर्मी से बचाता है। दोस्तों, स्कूल की दीवारें 3 लेयर से बनी हैं, सैंडस्टोन, मार्बल और लाइम प्लास्टर, ताकि बिल्डिंग को मजबूती मिले और क्लासरूम्स ठंडे रहें। इसके अलावा बिल्डिंग में लगी अनगिनत जालियां और इसके स्ट्रक्चर का इलेप्टिकल शेप एयरफ्लो को कंट्रोल करने के साथ साथ इसे ठंडा भी रखते हैं। और छत पर लगे हैं टाइल्स के टुकड़े, जो तपते सूरज की गर्मी को रिफ्लेक्ट करके उसे क्लासरूम्स तक नहीं पहुंचने देते। दोस्तों, ये स्कूल एक NGO सिटा की पहल का नतीजा है, जो हेल्थ, एजुकेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंडिया में कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। So I wanted to create a project that was like a showpiece to present it to the world. It can enhance dialogue in the world about women's issues and girls' education. Hopefully it'll have a rippling effect on that dialogue, both domestically in India and internationally. दोस्तों, ये मॉडर्न बिल्डिंग एक इको-फ्रेंडली स्कूल का परफेक्ट एग्जांपल बन गई है। राजस्थान की खतरनाक गर्मी वाटर कंजर्वेशन को और भी इम्पोर्टेंट बना देती है, और स्कूल में इसके लिए है ड्रेन पाइप्स। ये पाइप्स बरसात का पानी छत से कोर्टयार्ड तक पहुंचाते हैं, फिर कोर्टयार्ड की ढलान से बहकर पानी जाली से होता हुआ वाटर टैंक में स्टोर होता है। जानते हैं इस टैंक की कैपेसिटी कितनी है? 2.5 लाख लीटर्स, OMG। और ये देखिए, सोलर पैनल्स। अरे भाई, जरूरत की सारी इलेक्ट्रिसिटी यहीं तो प्रोड्यूस करते हैं। दोस्तों, इस OMG स्कूल को बनाने का सपना यहाँ की रॉयल फैमिली के सपोर्ट से साकार हो पाया है। This is a start of somewhat of revolution here in a way, because it is very important to educate women in India. वाकई, राजकुमारी रत्नावती स्कूल इंडियन आर्किटेक्चर और वेस्टर्न डिजाइन का अमेजिंग कॉम्बिनेशन है, और जिस जज्बे से इसे एक नेक मकसद के लिए बनाया गया है, उसे OMG ये मेरा इंडिया सलाम करता है। OMG,